An apple a day keeps the doctor away. ये आपने भी सुना होगा, लेकिन आज एप्पल का मतलब थोड़ा सा बदल गया है। वो लाल रंग का एप्पल जो कि विटामिन आयरन के लिए मशहूर है, वो आज टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बन गया है। जैसे आप एप्पल सुनते हैं, लोग पूछ लेते हैं भाई कौन सा है, प्रो है या मैक्स है। एप्पल का फ्रूट मार्केट से निकल करके दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बन गया, ये एहसास कम लोगों को हो पाया। 1960 में कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों की सोच से। इस कहानी में बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। एप्पल की सक्सेस स्टोरी बताती है कि लाइफ में अगर आप बड़ा सोचें तो आप उसे अचीव जरूर करते हैं। आइए बताता हूं आपको एप्पल की कहानी और सिखाता हूं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। एप्पल कंपनी की शुरुआत ही नहीं होती अगर एक चोर ने चोरी नहीं की होती। तो कहानी की शुरुआत होती है 1960 से। ये वो जमाना था जब अमेरिका में अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करनी है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है एक टोन का इस्तेमाल करती थी जो कि एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी पर प्ले होता था, बजता था, जिससे यूजर को अधिकार मिलता था, ऑथोराइजेशन होता था। उसके बाद में कॉल जिस नंबर बताई उस पर लग जाती थी। स्टीव वोजनियाक नाम के स्टूडेंट जो थे एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे और उन्होंने उस आर्टिकल में पढ़ा कि कैसे एक चोर ने कैंडी रैपर जो है उससे वो फ्रीक्वेंसी वाली टोन बना ली, जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स फ्री में करने लगा था। बाद में उसको पकड़ा गया। स्टीव जॉब्स को उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ते ही कॉल लगाया और कहा अपने दोस्त से कि भाई मिलना है और हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे कि वो जो स्पेशल फ्रिक्वेंसी का साउंड है, वो टोन है, वो हम जनरेट करें और फ्री में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जो है लोग कर पाएं, हम भी कर पाएं। दोनों लाइब्रेरी में गए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी स्टडी की। उसके बाद में उन्हें मालूम चला कि किस फ्रिक्वेंसी पर वो जो टोन है वो जनरेट होती है, जिसके बारे में उस आर्टिकल में बात की गई थी। उन्होंने एक मशीन बनाना शुरू किया। वो जो मशीन थी वो शुरू में स्टेबल नहीं थी, तो स्टीव वोजनियाक ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और रिसर्च करेंगे। उन्होंने डिजिटल जो है उस डिवाइस का वर्जन बनाना शुरू किया और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की उस डिवाइस को बनाने की। स्टीव जॉब्स को कॉल लगाया कि मैंने वो डिवाइस तैयार कर ली है। दोनों गए, मिले। उसके बाद में उनके एक अंकल जो कि एलए में रहते थे, स्टीव वोजनियाक ने उन्हें कॉल लगाया और कमाल की बात यह थी कि जो उन्होंने डिवाइस तैयार की थी जिससे वो फ्रिक्वेंसी पर टोन जनरेट हो रही थी, वो कॉल फ्री में लग गया और दोनों को लगा कि ये हमने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कर लिया है। दोनों ने उस डिवाइस का नाम रखा था ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स नाम की वो डिवाइस जब उन्होंने बना ली तो उन्होंने सोचा कि इस मशीन को हमें बेचना चाहिए, बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं। कैलकुलेशन की तो उन्हें मालूम चला कि पूरी मशीन बनाने में $40 से $50 का खर्चा है और जब मशीन को हम बेचेंगे तो हम $150 में इस मशीन को बेच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मशीन के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने मशीन खरीदना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह हुई कि एक बार स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक जो दोनों दोस्त थे, ये एक पिज्जा पार्लर में बैठे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे ये ब्लू बॉक्स आपका खरीदना है। इन्होंने इस बॉक्स का डेमोन्स्ट्रेशन उसे दिखाया कि ऐसे ऐसे काम करता है। फिर उस आदमी ने कहा कि आप आ जाओ, मेरी कार की डिक्की में पैसे रखे हुए हैं। ये गए और जब ये वहां गए कार के पास पैसे लेने के लिए, तो उसने गन निकाल दी और इनसे वो ब्लू बॉक्स लेकर के वो निकल लिया। उसने कहा कि ये बॉक्स मुझे दे दो, अगर ये काम करेगा तो मैं वापस कॉल करूंगा, पैसे दूंगा। हालांकि उसने फिर कभी इनको कॉल किया नहीं, लेकिन ये समझ गए कि इतनी कमाल की डिवाइस है कि कोई गन पॉइंट पर हमसे इसे छीन रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो बिलियन डॉलर्स कंपनीज को भी कंट्रोल कर सकती है। इन दोनों को कॉन्फिडेंस आ गया और उस दिन से इन दोनों ने पार्टनरशिप शुरू कर ली। स्टीव वोजनियाक ने कहा कि मैं प्रोडक्ट के आइडियाज़ पर काम करूंगा और स्टीव जॉब्स जो थे उन्होंने कहा कि मैं उसकी मार्केटिंग पर काम करूंगा, कैसे उसे बेचा सकता है, कैसे उसकी पैकेजिंग हो सकती है, इस पर हम काम करेंगे। दोनों ने मिलकर के एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की शुरुआत की जो कि बनी एप्पल कंपनी के बनने की नींव। एप्पल की जब बात आती है तो स्टीव जॉब्स का ख्याल अपने आप आने लगता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तीन दोस्तों के दिमाग का आइडिया था जो कि इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है। कमाल की बात यह है कि स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स तो फिर भी एक लंबे समय तक साथ रहे। एक और दोस्त थे रोनाल्ड वेन, वो बड़ी जल्दी छोड़कर के इनको चले गए। 1975 में जो दो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर बनाया जाए और क्रेजी थे इस काम को लेकर के, तो इन्होंने स्टीव जॉब्स के गैराज से शुरुआत कर दी। 1 अप्रैल 1976 को इन्होंने अपनी कंपनी की नींव रखी थी, जिसे कहा जाता है ना कि फाउंडेशन रखी थी। इस कंपनी की फाउंडेशन में तीन लोग शामिल थे, ऐसा मैंने बताया। इनका ये विजन था कि लोग जिस तरीके से कंप्यूटर को देख रहे हैं उनका परसेप्शन बदलना चाहिए, क्योंकि ये वो जमाना चल रहा था, बड़े बड़े कंप्यूटर आया करते थे, उन्हें ऑफिस में कहाँ रखें, घर में कहाँ रखें, इतनी बड़ी साइज के होते थे। तो ये छोटे कंप्यूटर बनाना चाहते थे, यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर बनाना चाहते थे। 1977 में इन्होंने कंपनी का नाम रखा एप्पल कंप्यूटर INC। जॉब्स और वोजनियाक ने, जैसा मैंने बताया कि जॉब्स की गैराज से शुरुआत की, तो इन्होंने एप्पल वन जो है उसे पहले लॉन्च
चेंज किया, मॉनिटर और कीबोर्ड के बिना ही उसे बेच दिया। फिर इन्होंने अप्रैल 1977 में वोजनियाक ने जो एप्पल टू बनाया था उसे लॉन्च किया। कमाल की बात यह थी कि वो पहली बार कलर ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर था और इस वजह से एप्पल टू ने धूम मचा दी और 1978 में जिनकी सेल्स थी $7.8 million वो 1980 आते आते दो साल में $117 million की हो गई। और 1980 में इनको लगा कि अब हम मार्केट में उतर चुके हैं तो क्यों ना बड़े बड़ों के साथ कॉम्पिटिशन किया जाए। IBM और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉम्पिटिशन में आने के लिए इन्होंने एप्पल थर्ड लॉन्च कर दिया और इसी सब के बीच में 12 दिसंबर 1980 को इन्होंने अपना पहला IPO लॉन्च किया। $24 पर शेयर से शुरू हुआ था जो कि $220 पर शेयर तक और भी ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जिसके पास में एप्पल का शेयर है वो अपने आप को बड़ा लकी मानता है। एप्पल थर्ड लॉन्च करने के बाद में इन्होंने एक लीजा नाम का कंप्यूटर भी लॉन्च किया जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाला पर्सनल कंप्यूटर था, लेकिन लिमिटेड सॉफ्टवेयर थे, बहुत ज्यादा प्राइस रख दिया था, इसलिए लीजा जो था वो चल नहीं पाया। स्टीव जॉब्स की बेटी के नाम पर इसे लॉन्च किया गया था। 1984 में एप्पल ने मार्केट में $1.5 million के टीवी एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया और मैकिंटॉश नाम से इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि एक मास्टरपीस कहा जाता है, एक एडवर्टीजमेंट उसका मास्टरपीस कहा जाता है और इनकी सक्सेस में एक बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है। मैकिंटॉश जो था ये बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिकने वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर था और ये लेजर राइटर और पेज मेकर के आने से मैकिंटॉश की किस्मत बदल चुकी थी। 1989 में ये एप्पल कंपनी जो है, मैकिंटॉश की बात करूं तो पोर्टेबल लेकर के आए थे जो कि डेस्कटॉप मैकिंटॉश के बराबर ही उसकी कैपेसिटी थी 7.5 किलो का और बैटरी लाइफ 12 घंटे की थी। ये तो बात होगी मैकिंटॉश की, लेकिन बात करते हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, जो फाउंडर है वोजनियाक ने, स्टीव वोजनियाक ने 1983 में एप्पल छोड़ दी थी। इसके बाद में स्टीव जॉब्स को लगा कि क्यों ना किसी और को लेकर के आ जाए, तो पेप्सिको के जो जॉन स्कली थे उनको इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और जॉन स्कली के साथ में स्टीव जॉब्स का बहुत सारा विवाद होने लगा और जो लगातार सक्सेस हासिल कर रही थी एप्पल कंपनी उसको थोड़ा सा ब्रेक लग गया क्योंकि एप्पल थर्ड जो था, एप्पल थ्री वो भी नहीं चला, लीजा कंप्यूटर वो भी नहीं चला, दोनों प्रोडक्ट फेल हो गए और एक तरीके से मजबूर किया गया स्टीव जॉब्स को ही अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देने के लिए। 17 सितंबर 1985 का दिन था जिस दिन स्टीव जॉब्स ने जॉब छोड़ दी थी। स्टीव जॉब्स ने 1985 में जॉब तो छोड़ दी थी लेकिन वो बाहर जाने के बाद भी इनडायरेक्टली एप्पल से जुड़े ही रहे। आपको ये समझ में आएगा कैसे जुड़े रहे। स्टीव जॉब्स ने कुछ और बड़ा करने की सोची, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्थापना कर दी और जॉर्ज लुकास से पिक्सर खरीदा, बाद में टॉय स्टोरी, बग्स लाइफ, मॉन्स्टर्स जो फिल्में थी उनके कंप्यूटर एनिमेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जो कि सक्सेस बनती गई आगे चल करके। 1980 के डेकेड का के जो बाकी के हिस्से थे, जो बाकी साल थे उसमें एप्पल अच्छा कर रहा था, लेकिन 1990 में एप्पल ने बड़ा कमाल किया, बड़ा प्रॉफिट कमाया और ये इस वजह से हुआ क्योंकि स्टीव जॉब्स ने जाने से पहले जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उन्हीं का फायदा एप्पल कंपनी को मिल रहा था। स्पेशली जो एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है PDF जो उसके जो निर्माता एडोब उस कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जॉइंट वेंचर हुआ, उसने इनको बहुत फायदा दिया। 1985 की बात करूं तो स्कली ने माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे बिल गेट्स उनसे अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस देने की जो अपील थी उसको कैंसिल करवा दिया और ये जो डिसीजन था ये बाद में एप्पल के लिए बड़ा भारी पड़ गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आए वो एप्पल के जैसा ही ग्राफिकल इंटरफेस था जिसने कि 1980 के डेकेड के लास्ट में और 1990 के डेकेड में बहुत बड़ा कंपटीशन जो था एप्पल के सामने खड़ा कर दिया। कमाल की बात ये रही कि 1990 जो में जब जो टॉप पर पहुंच चुकी थी एप्पल वो 1996 आते आते उनकी मार्केट में जो हिस्सेदारी थी वो कम होती जा रही थी, मार्केट शेयर गिरता जा रहा था और ऐसे में एप्पल को एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की सख्त जरूरत थी जो उन्हें मार्केट में बाउंस बैक करवाए और इसके लिए वो डील करते हैं किससे, स्टीव जॉब्स की कंपनी जो कि उन्होंने जॉब छोड़ी थी तब शुरू की थी, नाम था नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, उसको खरीदते हैं। $427 million की डील होती है और अब की बात जो है स्टीव जॉब्स वापसी करते हैं एज अ CEO इन एप्पल कंपनी और ये वो समय था जब एप्पल कंपनी बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्टीव जॉब्स आते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं। सबसे कमाल की चीज जो उन्होंने की वो ये थी कि 450 ज्यादा प्रोडक्ट्स उस वक्त एप्पल बेच रही थी, इन्होंने कहा सारे आप कट कीजिए, हटाइए, सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स पर हम फोकस करेंगे और क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करेंगे और जब उन्होंने बड़ा फैसला लिया उसके बाद एप्पल कंपनी की जो हालत थी उसमें सुधार होने लगा। कमाल की बात यह रही कि स्टीव जॉब्स की ही गाइडेंस में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर जो है, iTunes जो है, ये लॉन्च किए और 2007 में
स्टीव जॉब्स का जो विजन था वो दुनिया के सामने आया। एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया आईफोन, और आईफोन ने कमाल कर दिया। 2007 में इसे लॉन्च किया था, और उस वक्त एप्पल के जो को फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा था कि ये आईफोन आज से 5 साल आगे चल रहा है। इसके फीचर्स बाकी के स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और यही वो वजह है कि हर साल एप्पल जो है अपने कस्टमर्स के लिए नए आईफोन लॉन्च करता चला जाता है। स्टीव जॉब्स की लाइफ का फॉर्मूला रहा है स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और इसी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में भी, अपने एम्प्लॉयज की लाइफ में, अपनी कंपनी की लाइफ में। वो हमेशा कुछ नया कुछ बड़ा तलाशते थे, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे, अपनी कंपनी को बेस्ट टेक कंपनी बनाना चाहते थे। जो उनका विजन था 2007 में जो उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च किया था, वो इतना बड़ा विजन था आप समझ सकते हैं कि पहले साल में ही 1,40,00,000 आईफोन बिक गए थे, और उस वक्त जो नोकिया और ब्लैकबेरी जो कि बहुत बड़े जायंट थे मोबाइल फोन्स इंडस्ट्री में, उनको एप्पल के आईफोन ने हरा दिया था। आईफोन वो प्रोडक्ट है जिससे कि एप्पल कंपनी 50% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और बाकी की जो सर्विसेज हैं चाहे वो एप्पल ऐप स्टोर है, आई क्लाउड है, एप्पल प्ले है, आईट्यून्स है, एप्पल म्यूजिक है, इसकी मदद से भी 31% के लगभग उनका रेवेन्यू रहता है, कुछ डेटाज ये बताते हैं। एप्पल जो प्रोडक्ट लेकर के आता है आईफोन, वो लोगों में उत्साह दिखाता है, लोग सबसे ज़्यादा उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब आईफोन खरीद लेते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि क्यों ना जो बाकी सर्विसेज हैं उनको भी इंजॉय किया जाए। फिर चाहे बाकी प्रोडक्ट्स हो, आईपैड हो, मैकबुक हो, आई वॉच हो, उनकी भी सेल्स अपने आप ग्रो होती चली जाती है, ग्रोथ उसमें देखी जाती है। इस सब के बीच में एक बड़ी बात बताता हूँ, अक्टूबर 2003 में स्टीव जॉब्स को कैंसर डायग्नोज हुआ था, और जब वो पहला आईफोन लॉन्च कर रहे थे 2007 में तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये वो साल नहीं था जब उन्हें काम करना चाहिए था, डॉक्टर्स ने कहा था रेस्ट कीजिए, आप अब बेड रेस्ट लीजिए, आप अपने घर पर जाइए, थोड़ा सा काम से स्ट्रेस से दूर हो जाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि जैसा मैंने बताया एप्पल सबसे बड़ी टेक कंपनी बननी चाहिए। इसी विजन के साथ लगातार काम करते गए, उनके प्रोडक्ट्स हमेशा समय से एडवांस्ड होते थे, और उनके विजन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 अगस्त 2011 को वो अपनी कंपनी का सीईओ टिम कुक को जो है बना देते हैं, कहते हैं अब आप संभालिए आपके हवाले, और उसके 6 हफ्तों के बाद में वो दुनिया छोड़ जाते हैं। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर के चलते स्टीव जॉब्स का निधन हो जाता है। टिम कुक को जो जिम्मेदारी मिली है उन्होंने बहुत बखूबी उसे निभाया है, और अपने विजन से एप्पल कंपनी को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इंडिया की बात करूं तो दिल्ली और मुंबई में अब एप्पल स्टोर लॉन्च हो चुका है। एप्पल का जो लोगो है उसको लेकर के बहुत सारी कहानियां मार्केट में वायरल होती गई, लेकिन एप्पल कंपनी ने खुद सारी कहानियों को इमेजिनरी बताया, और उन्होंने कहा असली बात हम बताते हैं। 1977 में कंपनी के एम्प्लॉय थे रॉब जेनिफ, जिन्होंने की स्टीव जॉब्स के लिए एक लोगो तैयार किया था, लोगो डिजाइनर थे, उन्होंने जो लोगो बनाया वो चेरी फ्रूट जैसा दिख रहा था, उन्होंने कहा लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई ये कौन सा फ्रूट है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा काट दिया, इसलिए एप्पल कंपनी का जो लोगो है वो कटा हुआ सेब है। कुछ कलरफुल उन्होंने उसमें पट्टियां भी लगा दी, और जो वो जो लाइंस थी उन्हें रेनबो कलर्स में रखा ताकि लोगों को ये लगे कि एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं वो कलरफुल हैं। बाद में टाइम के साथ साथ उसमें जो कलर्स थे वो चेंज होते गए। कहा जाता है कि 1977 में जब रॉब जेनिफ ने लोगो तैयार किया था तो पहली बार में स्टीव जॉब्स को वो जो चखा हुआ सेब है, जो चखा हुआ एप्पल है, वो पसंद आ गया था, और तब से अब तक वही लोगो कंटिन्यू चला आ रहा है। और आखिरी में एप्पल कंपनी के बारे में 5 इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहली, एप्पल में काम करने वाला हर तीसरा एम्प्लॉय इंडियन है। दूसरी, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, वो हर सुबह 4:30 बजे अपने स्टाफ को ईमेल भेजते हैं, ये उनका काम करने का बड़ा अनोखा तरीका है। तीसरी, एप्पल इतनी पॉपुलर है कि जापान में एक आदमी आईफोन 6 खरीदने के लिए 7 महीने तक लाइन में लगा रहा था। चौथी, एप्पल कंपनी में अपने आखिरी 15 साल स्टीव जॉब्स ने जब बिताए तो सिर्फ $1 की तनख्वाह ली, लेकिन तब भी उनकी टोटल इनकम $7 बिलियन से ज़्यादा थी। और एप्पल मैकबुक की जो बैटरी होती है वो बुलेट प्रूफ होती है, बंदूक की गोली से आपको बचा सकती है। एप्पल के आईफोन से आज मूवीज शूट हो रही हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए, क्वालिटी के लिए एप्पल जाना जाता है, और प्राइवेसी के लिए भी जाना जाता है। एप्पल की सक्सेस कहानी बताती है कि जीवन में अगर आप बड़ा विजन रखें, अगर आप टाइम से थोड़ा आगे की सोच लें, तो आप इस दुनिया में किंग बन सकते हैं, नंबर 1 बन सकते हैं। तो अगर लाइफ में आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एप्पल की इस कहानी से सीखिए कि समय से थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ता है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक का ये चैनल, जहां बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलते रहते हैं। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।